राकेश टिकैत ने हमले के बाद क्या कहा है, जब उन पर ये स्याही पे की गई उसके बाद क्या उनकी प्रतिक्रिया है, ये सुनिए। अभी बताइए, तो जिम्मेदारी यहाँ के लोकल पुलिस की है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम। तो सुना आपने, राकेश टिकैत ने इस स्याही हमले के बाद ये प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है सुरक्षा की, लेकिन ऐसे में भीड़ के बीच में से उठकर एक व्यक्ति उन पर स्याही फेंक देता है, ये सुरक्षा में चूक है और ये जिम्मेदारियों का ठीक निर्वहन नहीं है। लोकल पुलिस को उन्होंने घेरा है, यानी कर्नाटक पुलिस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से कैसे घटना घट जाती है। दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। राकेश टिकैत पर स्याही फेंक की गई है। अब से कुछ ही देर पहले कार्यक्रम में, किसान कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं कर्नाटक राकेश टिकैत और उन पर बीच कार्यक्रम में स्याही फेंक की गई है और उसके बाद वहां मौजूद कार्यक्रम के अन्य सदस्य और राकेश टिकैत के समर्थक भड़क जाते हैं। जिस व्यक्ति ने स्याही फेंक की उसके साथ मारपीट की जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से कुर्सियां उसके ऊपर फेंकी जा रही है, कुर्सियों से उसकी पिटाई की जा रही है और इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है, इससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक इसकी पहचान साफ नहीं हो पाई है, नहीं पता चल पाया है कि किस पार्टी या फिर संगठन से ताल्लुक रखता है या फिर ये किसी बात को लेकर नाराज था राकेश टिकैत की, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर नाराज था, भी ये साफ नहीं है। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। दो तस्वीरें कर्नाटक से आई हैं, राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई है। वे एक किसान कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि वे पूरे देश में घूमेंगे, किसानों को एकजुट करेंगे, उनकी मांगों और उनके अधिकारों को लेकर आवाज उठाएंगे और इसी बाबत कर्नाटक पहुंचे हुए थे राकेश टिकैत। कर्नाटक के कार्यक्रम में उन पर स्याही फेंकी गई है, उसकी दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस हमले के बाद राकेश टिकैत ने कहा है कि पूरी जिम्मेदारी कर्नाटक पुलिस की थी, लोकल पुलिस की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमला उन पर हुआ है। राकेश टिकैत जो कि दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए किसानों के एक दल के अगुवा रहे हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि बनकर राकेश टिकैत लंबे आंदोलन में शामिल रहे हैं और उसके बाद अब वे किसानों को एकजुट करने, उनके अधिकारों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, ये राकेश टिकैत का कहना है। और इस बीच जब वे ऐसे ही संबंधित कार्यक्रम में पहुंचे तो उनके ऊपर स्याही से हमला हुआ है, स्याही फेंकी गई है उनके चेहरे पर। और आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में जब राकेश टिकैत वहाँ मौजूद एक छोटे से मंच पर बैठे हुए थे, उसी दौरान एक व्यक्ति ने आकर उन पर स्याही फेंक दी और इसके बाद गुस्साई वहां भीड़ ने, लोगों ने उस व्यक्ति को घेरा, उसके साथ मारपीट की, उस पर कुर्सियां फेंकी गई, वो आप देख सकते हैं, और कई लोगों ने उसे घेर लिया। महिलाएं पुरुष सभी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जिस व्यक्ति ने स्याही फेंकी उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और अब कहा जा रहा है कि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। क्या कारण है स्याही फेंकने के, कौन है ये व्यक्ति, इसकी पहचान क्या है, इससे जुड़ी जानकारी अभी पुलिस हासिल कर रही है।